राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से प्रत्याशी रणजीत कश्यप ने किया जीत का वादा। रणजीत कश्यप ने कहा कि गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र का जीतने के बाद करूंगा चहुमुखी विकास। क्या कहना था रंजीत कश्यप का, सुनाते हैं आपको भी। हमारे क्षेत्र की बहुत बुरी हालत है, मतलब देख कर भी दुख होता है, दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है। मैं क्षेत्र में अभी गया कुछ लोगों से मिलने, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, मैं पैदल भी नहीं चल पाई इस क्षेत्र के अंदर है। और क्षेत्र में सड़कों को बहुत बुरी दुर्दशा है, बेचारा कोई बुजुर्ग महिला कोई पैदल नहीं चल सकते। गांव देहात में इससे बहुत बड़ी अच्छी सुविधा है, आप अगर थोड़ा सा ही बॉर्डर पार कर गए हमारा गाजियाबाद की तरफ, लोनी की तरफ, तो आप वहाँ पर देखें साफ सफाई, अच्छी सड़कें। तो दिल्ली की हमारे यहाँ तो बहुत बुरी हालत है। आम आदमी पार्टी से जो विधायक रहे हैं चौधरी फतेह सिंह जी, उनका कहना है कि गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें हैं पेरिस से भी बढ़िया हैं, क्या आपको लगता है? देखिए ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता झूठ बोलते हैं और उसमें ये भी शामिल है, ये झूठों की सरकार है। आप कोई भी मुद्दा उठाकर देख लिए, अब तक जो है ना सत्ता में आने से पहले इन्होंने जो घोषणा की थी 500 स्कूल बनाएंगे दिल्ली में, 20 रुपये बनाएंगे जी, यूनिवर्सिटी बनाएंगे जी, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे वादे किए थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे क्षेत्र में घूम लो, अगर एक भी स्कूल उन्होंने बनाओ दिल्ली के, दिल्ली में भी नहीं बनाया इन्होंने। एजुकेशन की व्यवस्था बढ़िया जी, एजुकेशन में जाकर पता कर लो एजुकेशन की। कोई भी काम एक भी मुद्दे पर इन्होंने काम नहीं किया, सरासर झूठ बोला है। ऐसे ही इनका विधायक रहा है, उसने भी क्षेत्र के अंदर, आप मेरी मेरे से क्या विश्वास, आप खुद जाओ फोटो लो, आपको पता लग जाए कितना काम किया है। आपके क्या प्राथमिकता है? मुझे कुछ समय के लिए क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मिला, कुल 49 दिन सरकार रही आम आदमी पार्टी की, बाकी 10-11 महीने राष्ट्रपति शासन में हमने कार्य किया। मैंने इतने कम समय में 30 करोड़ का काम मैंने करा, पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग सभी कॉलोनियों को मैंने टच किया, किसी में गली बनवाई, किसी में पानी की लाइन डलवाई, कहीं सीवर की लाइन डलवाई, ऐसे मैंने 30 करोड़ का काम कुल 11 महीने के अंदर किया। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी का जो विधायक है वो दिखा दे अपना रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड आप देख लो, 30 करोड़ का मैं दिखा रहा हूँ और अपना 30 करोड़ का दिखा दे अपना रिकॉर्ड, जबकि जब मैं विकास बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका, उसके बावजूद भी इतना काम नहीं, उनकी मनसा ही नहीं काम कराने की, तो काम ही जो है ना लास्ट में कराते हैं। आपको पता है अब केजरीवाल का देख लो, 4.5 साल तक रोता रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहे, मोदी पैसे नहीं दे रहे, अरे कहाँ से पैसा आ गया, क्या मोदी मना नहीं कर रहे? अब मोदी ने छूट दे दी, जो मर्जी करो, अब फ्री का लालच देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं ये। और केवल बिजली का भी केवल मार्च तक का ऑर्डर है, उसके बाद में सत्ता प्राप्त करने के बाद में फ्री कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये सबको बेवकूफ बना रहे हैं। न तो उन्होंने काम किया ना ही करेंगे, आप पूरी दिल्ली के अंदर जाकर देख लो कहाँ विकास है, दिल्ली के अंदर से लोगों ने प्लान शुरू कर दिया है, क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतना हो गया है, पोल्यूशन की वजह से लोग गांव की तरफ दौड़ने लगे हैं। मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ, मैं दिल्ली, अगर हमें सत्ता दिल्ली में आते हैं बीजेपी सरकार और हम जीत कर आते हैं, अपने क्षेत्रों में भी हम पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए यंत्र हम लगाएंगे। हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने भी 7 लाख रुपए का एक यंत्र भी लगाया पोल्यूशन के लिए, ऐसे हम दिल्ली के अंदर बहुत सारे यंत्र लगाएंगे, दिल्ली को बिल्कुल पोल्यूशन मुक्त करेंगे। और दिल्ली के अंदर ये पानी पानी की बात करते हैं, पानी फ्री दे दिया, अरे भाई 100 रुपए का बिल आता नहीं था लोगों का, 100 रुपए के माफ करके बड़ा काम कर दिया और उसके बाद ही पानी आता तो गंदा नहीं आता। मैं इस बात को पूर्ण रूप से कहता हूँ, दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, मेरे क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या खत्म कर दूंगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उस बात को। पानी के कई सारे हम यूजर बनाएंगे और पानी की जो भी समस्या होगी, जहाँ लाइन नहीं पड़ी वहाँ लाइन डलवाएंगे, स्वच्छ साफ सुथरा पानी क्षेत्र की जनता को देंगे, बिजली देंगे, सारी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे हम और क्षेत्र की जनता का सम्मान भी करेंगे। अगर क्षेत्रीय जनता के लिए हम 24 घंटे वादा करते हैं, 24 घंटे कहने के लिए नहीं,
करके दिखाएंगे और हमने किया भी है। पीछे भी जब विधायक मना मैं 24 घंटे रात को दो दो तीन तीन बजे भी अगर मुझे किसी का फ़ोन आता था तो मैं उसका फ़ोन सुनता था, कहते कि बिजली नहीं है, लाइन चल गई है। मैं रात को भी लड़ जुड़वाने काम किया और आगे भविष्य में भी 24 घंटे में दावे के साथ कर रहा हूँ, कोई परीक्षा लेकर देख ले, मुझे रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी फ़ोन करके देख ले, मैं उसका फ़ोन तुरंत रात को उठाऊंगा और जो उसकी समस्या रात को दूर करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, क्षेत्रपूर्ण विकास और क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहना मेरा ही ये दृढ़ संकल्प है। मैं जनसेवक के रूप में काम करूँगा, ना किसी राजा महाराजाओं के लिए। हम जो है ना क्षेत्र की नौकर, क्षेत्रीय जनता के नौकर हैं, नौकर की तरह काम करेंगे हम। क्षेत्र की जनता हमें जिताकर भेजेगी, ऐसे में हम राजा महाराजा बन गए, एक जनसेवक के रूप में काम करना है, करेंगे हम। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से रंजीत कश्यप जी प्रत्याशी हैं, टिकट दिया है उनको, क्या कहना चाहेंगे, किस छवि के नेता हैं? देखो रंजीत जी बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं और वो जब विधायक बने थे तब भी उन्हीं के द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट, क्योंकि वो बहुत थोड़े समय रहे थे, वो तब पानी का सीवर का प्रोजेक्ट लेकर आए थे इस अपनी विधानसभा में, उनको ये आज तक पूरा नहीं कर पाए 5 साल में, और सड़कें खुदी पड़ी हैं, लोगों को निकलने को जगह नहीं है, कीचड़ हुए पड़े हैं, बरसात में लोगों का बुरा हाल हो जाता है, जिसके कारण सफाई व्यवस्था करने में भी दिक्कत आती है। और फतेह सिंह जो कि आम आदमी के विधायक थे, वो पूरे 5 साल घर से निकले ही नहीं, लोगों से उपलब्ध नहीं थे लोगों के लिए। क्या लगता है रंजीत जी ये सारे कार्य करा चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि रंजीत जी शुरू से ही जनसेवा से जुड़े हुए हैं, उनका उद्देश्य ही जनसेवा करना है, इसलिए मेरा मानना है वो सभी प्रोजेक्ट पूरे करके इस क्षेत्र को बिल्कुल चमका देंगे, ऐसा हमारी आशा है उनसे। कपिल जी यदि बात करी जाए गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र से रंजीत कश्यप जी को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी पार्टी की तरफ से, किस छवि के नेता हैं, क्या लगता है? पहले धन्यवाद करूंगा भाजपा शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने रंजीत जी को दोबारा मौका दिया यहाँ पर, और वाकई ये एक उस संस्कार से पोषित हैं जो विकास का संस्कार है, ये आदमी क्षेत्र में उस संस्कार से पोषित है और हमें आशा है कि ये जरूर विकास भी करेंगे, विकास करेंगे, ईमानदार हैं और कर्मठ छवि वाले नेता हैं। क्या लगता है गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो आम आदमी पार्टी के पहले विधायक रह चुके हैं चौधरी फतेह सिंह जी, उन्होंने कुछ कार्य किया है क्या क्षेत्र के अंदर? भाई साहब कोई काम नहीं किया किसी ने, आम आदमी पार्टी वालों ने सब हाई हुल्लड़ और सब शोर मचाया है, कोई काम नहीं किया है। एक बार तुक्का लग गया इनका सबका, अब बार बार नहीं लगने वाला, जनता सब जाग चुकी है, ना जनता को फ्री का लालच है, ना जनता सब देख रही है, सब समझ रही है जो कर रहे हैं ये, जैसे जैसे ये कर रहे हैं जनता बहुत अच्छी तरह से इनको समझ चुकी है। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9212132908312, 9991041832। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8506973234।